हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं बैंगन की सब्ज़ी बनाने। तो बैंगन की सब्ज़ी हम किस तरीके से बनाएंगे? आज कुछ अलग तरीके से बनाएंगे। लोग क्या करते हैं कि भरवा बनाते हैं, तो सूखा वाली सब्ज़ी बनाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे भरवा रसेदार बनाएंगे। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं। फटाफट से इसे हम पहले कट कर लेंगे बीच से, जैसे कि भरवा कलौजी बनाते हैं तो उस तरीके से हम बैंगन को काटते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से हम इसे कट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे कलौजी वाला बैगन भी लिया हुआ है, ये ग्रीन वाला बैगन है। तो इसी तरीके से सभी बैगन में हम कट लगा लेंगे पहले। तो हमने सभी बैगनों में कट लगा लिया है बहुत ही अच्छे से और सब में। तो चलिए अब हम इसे इसका पहले मसाला हम तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसे मिक्सर में अच्छे से थोड़ा सा चॉप कर लिए हैं, ज़्यादा एकदम दरदरा इसे पीस लिए हैं। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा लेते हैं पनीर और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में हम कट कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम छोटे छोटे टुकड़ों में इसे कट कर लेंगे। और इसे हमने इजीली घर पे ही बनाया था, इसलिए ये देखने में इस तरीके से है। फ्रेंड्स, हम बहुत ही अच्छे से इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ हमें मिक्स नहीं करना है फिलहाल से। इसमें हम डालेंगे 1 स्पून चाट मसाला और इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर और सभी को हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। तो अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लेंगे बैंगन और इसे हम थोड़ा सा इसमें हम नमक पहले डालेंगे, ताकि जो नमक हो अच्छे से मेल्ट होकर ये बैंगन के अंदर अच्छे से चला जाए, तो खाने में ये बहुत ही तब टेस्टी लगेगा, नहीं तो ये फीका फीका सा लगेगा जो अंदर का ये है। तो पहले हम इसके अंदर नमक डालेंगे। हमको ज़्यादा नमक ऐड नहीं करना है, थोड़ा सा ही हमको हल्का सा इसके अंदर डाल देना है बस। और अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से इसमें डालेंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें सभी को बना। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर हम अच्छे से सभी को भर देंगे और सेम वही प्रोसेस है, इसमें भी थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि थोड़ा हल्का हल्का मेल्ट हो जाए। तो बस ज़्यादा नहीं भरना है और इसे पनीर को अच्छे से भर लेंगे। सभी को हम इसी तरीके से भर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कढ़ाई मेरी बहुत ही ज़्यादा हीट हो चुकी है, तो अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा ऑयल।
तो फ्रेंड्स, तेल मेरा बहुत ही ज़्यादा हीट हो चुका है, तो अब हम एक एक करके बैगन को डाल देंगे। तो हमने सभी बैगन को डाल दिया है इसके अंदर। और इसे हम तल लेंगे। अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देते हैं, इसे पकने देंगे थोड़ा देर। तो फ्रेंड्स, मेरा तेल बचा हुआ था, तो अब हम इसी तेल में, तेल नहीं डालेंगे, इसी तेल में हम बना लेंगे। तो हम तेज पत्ते डाल दिए हैं। तेज पत्ता मेरा लाल हो चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा राई। राई डालने से बैंगन का जो फ्लेवर है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आता है, तो राई को चटकने देते हैं। तो राई मेरी चटक चुकी है, और अब हम इसमें डाल देते हैं प्याज। गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, प्याज मेरा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं आलू, और इसे भी हम प्याज के साथ फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, आलू मेरा फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसमें डाल देते हैं पिसे हुए मसाले। ये भुना हुआ मसाला नहीं है, ये पिसा हुआ कच्चा मसाला है, जिसे हमको अच्छे से पहले भूनना है। तो अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर। तो अब हम इसको थोड़ा सा ढक देंगे, ढककर इसे पकाएंगे, तो ये मसाले की जो खुशबू है अच्छे से सब्जियों में मेल्ट हो जाएगा। चलिए, तो हम इसे देख लेते हैं। थोड़ा सा हम और तल लेते हैं इसे, तो मसाले मेरे पक चुके हैं। और अब हम इसमें डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसके साथ ही टोमेटो प्यूरी। और सभी को मिक्स कर देते हैं। तो बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है सब्जियों से। तो तेल से अलग मेरा मसाला होने लगा है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं ग्रेवी।
पानी। तुमने इतनी ग्रेवी रखी है? और अब हम इसमें डाल देंगे नमक। अब हम इसे पकाएंगे जब तक कि आलू अच्छे से ढक देंगे। एक बॉल आने तक हम इसे ढके रहेंगे। तो फ्रेंड्स एक बार हम इसे देख लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं एवरेस्ट मसाला। ये बैगन, सभी बैगनों को हमें तल लिया है, तो अब बैगन को हम एक एक करके इसमें डाल देंगे। और ये पनीर है थोड़ा सा, इसे भी हम ऊपर से डाल देंगे इसके अंदर। अब हम इसे पकने तक इसे ढक देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए सब्जी मेरी बन के बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी बन के रेडी हो चुकी है। तो देखिए कितना बढ़िया ये बन के रेडी हुआ है। तो ये देखिए बिल्कुल भी ये खुला नहीं है, एकदम बंधा हुआ है चारों तरफ से। बहुत ही अच्छे से ये पक गया है और बहुत ही टेस्टी ये बन के रेडी होता है। तो फ्रेंड्स आशा करते हूँ कि आप लोग भी ज़रूर ट्राई करेंगे। और वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऐड कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।